सिद्धाय मंगलम अहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केमी पणतो धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केमी पणतो धमो लोगोत्तमो चत्तारि शरण पवब्जामि अरिहंते शरण पवब्जामि सिद्ध शरण पवब्जामि साहु शरण पवब्जामि केमी पणतम धमो शरण पवब्जामि ओम नमो रते स्वाहा गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो नमः जलादि अर्घम देरो काम देवी भव श्री अर सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेश्वर ब्रह्म जलादि अर्घम देरो काम देवी लाइट वाले महान भाव अष्टोत्तर सहस्र नामे भ्यो नमः जलादि अर्घम देवो पावती उदक चंदन तनु पुष्पित चरु सुदीप सुधूप फल धवल मंगल लाल रवाकु में जिंदगे जिन सूत महमिय जे ओम रीम श्री उमा स्वामी प्रचित तत्वासु दशाध्यवेला दे अर्घुण प्राप्ति स्वाहा ओम रीम महान तुंगाचार बच भक्त बन गुजरा देव प्राप्ति स्वाहा ओम रीम बादी कुंच बिस कल्याण मंदिर से गुजरा देव प्राप्ति श्रीमत् चतुष्टयाम श्री मोहन संग सुदशा सुख ते हेतु जने दिया विदेश माया पुथाई स्वस्ति त्रिलोक गुरु वे जिन पुंगवाई स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिता स्वस्ति प्रकाश सहज उचित दगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता कृत वैभवाय स्वस्ति उच्छलद विमल बोध सुधा प्रवाय स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदिते चिदुत गवाय स्वस्ति त्रिकाल सत्यायत विस्तृताय तप्रस्य शोधि मदिगाम्य यथानुरूपम् भवस्य शोधि मदिकामधिगन्तुकाम् आलम्बनानि विविधानि वलम्बवर्गा प्रतिज्ञापनाय श्री प्रतिमा करे पुष्पांजलि चिपावे बड़ा प्यारा
कार्य क्रम संपन्न होना है। पूजा के पश्चात हवन, हवन के पश्चात महाराज जी का मंगल प्रवचन, तीर्थकर महामुनिराज की आहारचर्या, मंदिर शुद्धि, वेदी शुद्धि, शिखर शुद्धि कार्यक्रम होंगे और दिन में 1 बजे से केवल ज्ञान के संस्कार होंगे। आज का दिन बड़ा महत्व पावन दिन है, सारा दिन व्यस्तता का है, इसलिए सभी लोग समय का ख्याल करते हुए आगे का पर संस्कार कार्य करेंगे। अल्लाह चली अक्षय पद के बिन बिना जगत की लख 84 योनि में हो अष्टगर के नाश कर को अक्षय तो बट के लाया में अक्षय निधि के पाने तो श्री देव शास्त्र को गया हूं जो के मार श्री देव श्री धन कर जित प्रभु की पड़ता हूं ओम रि भव श्री देव सागर विद्यमान मिष्टि तंकर अनंत आनंद सिद्ध परमे तोणवा अक्षय पदे स्वाहा भोजन से ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में जा रे सन्देश ले जा रे तू ही है
पुष्कर प्राप्ते फलम निरपामति भगवान मेरा है और मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। और कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। और मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया। और मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया। और ये काम तेरा है। और ये काम तेरा है और नाम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू
भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, और मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। और कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, और मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया, और मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया। और ये काम तेरा है, और ये काम तेरा है, और नाम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। और ये पल पल के लोग कह रहे, अरे यो अवसर बार बार नहीं आए, यो अवसर बार बार नहीं आए, यो अविनो धर्म कमाई दे, के आया पंच कल्याणक आया, 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 उसके झूम उठे नर नारी रे, के अब तो मन के दिए जला लो, अब तो मन के दिए जला लो, के गुप्ती सागर में डुबकी लगा लो, गुप्ती सागर में डुबकी लगा लो, एक अतिशय पुण्य कमा लो रे, के पल पल नगर में आनंद आया, के पल पल नगर में आनंद आया, के महासेन जी का मन हर्षाया, के महासेन जी का मन हर्षाया, कुबेर जी वतन लुटावे रे, के दिल्ली नगर से यात्री आए, के दिल्ली नगर से यात्री आए, एक श्री गुरुवर जी के दर्शन पाए, के श्री गुरुवर जी के दर्शन पाए, के सोनीपत वाले नाचे रे, क्षमा छम छम पायलिया बाजे, क्षमा छम छम पायलिया बाजे, क्षमा छम छम पायलिया बाजे, के मन को मोरियो छम छम नाचे, के मन को मोरियो छम छम नाचे, इंद्राणी मंगल गावे रे, बस। आइए महानुभाव अर्घ लीजिए, आइए सब इंद्र आइए अपने स्थान पर, कुछ महानुभाव का भी सम्मान होना है। ओम रिम तप कल्याणक प्राप्त वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, जय माला जल फलादि अर्घम मार्गम पूर्णार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए पूर्णार्घ लीजिए, महार्घ लेंगे। मैं देवी श्री अरहंत पूजो सिद्धि पूजो चाव सो, आचार्य श्री उविधाय पूजो साधु पूजो भाव सो, अरहंत भाषित वेन पूजो द्वादशांग रची गनी पूजो, दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशाहनी, सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विद्या मैं पूजो सदा, जति भावना छोड़ रत्नाते जा बिना शिव नहीं कदा, ते लोक के कतिम अकतिम चैत चैत्याले जजु पन मेरु नादिशिवर जिनाले, भजर सुर पूजित भजो मेरा शिशिरी समेद गिर गिरनार में पूजो सदा, चंपापुरी पापापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा, चौबीस श्री जिन राज पूजो बीस क्षेत्र विदेह के, नामावली एक सहज बस जय होए पति शिव गह के, जल गंधा क्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए, सर्व पूज पद पूज हूँ बहु विधि भक्ति बढ़ाए,
अर्घ लीजिए। ओम नमः महाराज सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनाकम जिनचे जिनचे द्वार पांच भरत पांच चरव दशी समधि तीस चौबीस के सात सौ बीस जिन पंचमी समधि अस्सी जिन चेत विषय मिश्र करके नार चंपा बोर पाप और द्रोणाग्री मुक्तोग्री श्री बकुल बरवाई तारंगा पोदन पर भत्रो आदि सिद्ध क्षेत्र जैन मध्य मूल यह चौथ के महावीर जी हस्त्र पर तेरा पदम प्रभु चांदांगा महावीर स्वामी ऐसी पासना नागपड़ी पासना अनिंदा पासना मक्ष पासना दही गांव महावीर स्वामी कुंभोज बाहुबली कलिकुंड पासना आदि शब्द में सुमंतम भगवंतम कृपा आर्य खंडे भारत देश हरियाणा प्रांत पलवल नाम नगरे मासा ना मासे माघ मासे सूर्य कृष्ण पक्षे प्रतिप्रथम आम तिथौ मंगलवार से परम पूज्य उपाध्याय मुनिषि गुप्त सागर जी सत्संग सानिधे जल फलादि पूर्णार्गम महार्गम निरव पामती स्वाहा शांतिनाथ शांति नाथमक सज उनहारी शील गुणावत संयम गारी लखन एक सो आठ विराजे निरखत नयन कमल दल राजे पंचम चक्रवर्ती पद धारी सोनम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक विटप पवन की वर्षा दुर्ग व्यासन वाणी सरिसा छत्र चमर भामंडल भारी यही तो ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सनुमति को मम नमन हो मम मति सनुमति हो सुर नर पशु गति सब मिटे गति पंचम गति हो। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जीवन एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जो अंत तक मनुष्य का साथ देती है, परंतु उसके कठिन प्रश्नों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन के कठिन प्रश्नों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है और ऐसी अच्छी बुद्धि को उपलब्ध होने के लिए मनुष्य का अपना सोचती राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो वही व्यक्ति ही सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में उपस्थित हो सकता है और वहां उपस्थित होने के बाद वह अपने भावी जीवन को सजाने संवारने के लिए मुस्कुराने के लिए सम्यक दर्शन से भरित होकर अपनी मिथ्या धारणाओं को सम्यक पाता है और ऐसा जीव ही चारित्र के पथ पर अग्रसर हो पाया है। चारित्र को धारण करने वाला व्यक्ति मिस भरत क्षेत्र में देखता हूं कि ग्रस्त आश्रम में कभी सुखी नहीं हो पाया है और इसी बात को लेके आचार्यों ने कहा है कि ग्रस्त घन घर में रहते हुए अपने चपल मन को वश में करने में असमर्थ होते हैं, अतएव
चित्त की शांति अर्थ सत पुरुषों ने घर में रहना छोड़ दिया है और वे एकांत स्थान में रहकर ध्यानस्थ होने में उद्यमी हुए हैं। निरंतर पीड़ा रूप आर्त ध्यान की अग्नि के दाह से दुर्गम बसने में अयोग तथा काम क्रोध आदि की कुवासना रूपी अंधकार से विलुप्त हो गई है नेत्रों की दृष्टि जिनमें, ऐसे ग्रस्तों में अनेक चिंता रूपी ज्वर से विकार रूप मनुष्यों के अपने आत्मा का हित कदापि सिद्ध नहीं हो पाता है। जो आत्मा का हित करना चाहते हैं वे ही भी आत्माएं घर का त्याग करके मन को अचंचल बनाने के लिए संयम के मार्ग पर अभी रूढ़ हुए हैं। संयम मनुष्य के जीवन को स्थिरता लाने में अभियान छेड़ती है। मुनि होने के लिए पहले पहल तत्व ज्ञान की कला जागृत जब कभी हुई है तो मुनियों के सत्संग में ही हो पाई है और उसके पश्चात संसार से उदासीन होने का परिणाम भी जागृत होता है। तदनंतर परिसहों को सहन करने की शक्ति उन्हीं निर्ग्रंथ मुनियों को देख करके होती है। संसारी सुखिया प्राणी निरंतर संसार में सुख भोगने की दृष्टि से यही पड़ा रहता है लेकिन उस बात का उसे बोध नहीं है। दीक्षा क्यों ली जाती है? किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए आत्मसमर्पित होना अथवा विशिष्ट जीवन दर्शन से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का शिष्यत्व स्वीकार करना, वस्तुतः भगवती दीक्षा श्रावक जीवन की उत्कृष्टताओं के तट पर खड़े होकर श्रमण जीवन के चरम शिखर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण आरंभ है। जैन शास्त्र अनगार जीवन की मर्यादा पात्रता कर्तव्य और दायित्व की संयत व्याख्याओं से भरा पड़ा है। महानुभाव यह यूं ही नहीं बल्कि एक गहन सिंधु मंथन है। इसलिए दीक्षा स्थिर लग्न में प्रशस्त मूर्त में लेना उत्तम है। लोग दीक्षा वही ले पाते जिनके लिए संसार से भीति हो जाती, जो संसार से भयभीत हुए हैं। प्रयास करने के लिए बढ़ना चाहिए। पार्श कुमार मुनि पार्श कुमार ना रहे पर महामुनि हो गए। 30 वर्ष की उम्र में वैराग धारण किया और आत्मचर्या के लिए शहर में निकलने वाले हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता कोई महापुरुष आज शरीर के लिए संन्यास मार्ग पर लगाकर संयम की साधना को बढ़ाते हुए भिक्षा के लिए निकले। उन्होंने जीवन इतना सुखद और खूबसूरत निभाया है हम उसके संबंध में आज 2-3 बात और समझ लेते। आचार्य कुंदकुन स्वामी कहते हैं नगो ही मोक्ष मगो, नग्नता अर्थात दिगंबरत ही मोक्ष मार्ग है। सेसा उम्बक आपको सिर टेक देना चाहिए, नमस्कार कर देना चाहिए। संसार जितना बड़ा कोई
अतिशय और करिश्मा नहीं हो सकता। महामुनियों ने संयम को धारण कर अपने जीवन को ऊंचाइयां दी। संयम के बिना एक घड़ी भी मत जाने दो, क्योंकि संयम के बिना संपूर्ण आयु विफल है। महावीर भगवान गौतम से कहते हैं, एक क्षण का ही प्रमाद मत कर। एक क्षण के लिए किया गया प्रमाद भी कर्म बंध का कारण है। रक्तो बंधति कम्मम, तू संसार के पदार्थों से राग करेगा तो कर्म का बंध होगा, और वह कर्म का बंध संसार के लिए कारण। तभी तो कहा, दुख से मुक्ति चाहते हो तो श्रवणता को स्वीकार करो। श्रवणता धारण करने के लिए अभी हमारे पंडित बाबा हसमुख जी कह रहे थे, स्त्रियों की फटकार से, स्त्रियों की फटकार से घबराते भागा तो क्या भागा, चूहा भी भाग जाएगा आदमी की आवाज नहीं करके, लेकिन भीतर से जब सम्यक दर्शन हो तो बड़े बड़े गौतम इंद्रभूति जैसे आदमी वैराग्य को प्राप्त हो। पत्नी की फटकार से तो वैसे ही तुम डरते। वैराग्यवान व्यक्ति के लिए चाहिए अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, हे भव्यात्मन, जब तुम्हारा मन विस्तृत हो, चंचल हो रहा हो, तो रत्न तरह की आराधना में लग जाना। बादलों की घड़घड़ाहट, बिजली का चमक जाना, पत्नी का डंडा दिख जाना और वो तिलोत्तमा की चमक, इन सबसे बैराग होने के पीछे हमारे मन में सम्यक दर्शन का सिद्धांत जब होता है तो सब कार्यकारी हो जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इतना ही कहना चाहते हैं कि अपनी शक्ति को न छपाते हुए थोड़ा थोड़ा संयम का भाव जागृत करना। सर्दी में बड़े बड़े साल दुसाले कोट टोपियां डाल करके जैसे बैठे हैं, वैसे वैसे अपनी जिंदगी में थोड़ा संयम बढ़ाने का अभ्यास करने का उपक्रम जारी तो कीजिए। कल लोगों ने कमंडल भेंट करने के लिए अपनी छोटी सी बुराई को, छोटी बुराई तो कहा जाएगा कि दांत गिरने के बाद, सुगर होने के बाद कोई चीज। मुनियों के लिए, भगवंतों के लिए असैनी को आहार दान देने का अगर अवसर होता तो सारी अमरावती धरती पर उतर गई होती, जो गर्व कल्याणक से सतत उनकी सेवा में लगी है। पालकी उठाने तक का देखो के लिए सुअवसर नहीं मिला, बहुत मिलके रोए। जो सैनी होता है वही व्यक्ति प्रभु के लिए आहार दान दे सकता है, और जो व्यक्ति आजीवन रात्रि का भोजन छोड़ सके, ऐसे व्यक्ति ही साहस जुटाना। कोई यहां पारस चैनल पर आने की कोशिश करते हैं तो जो आजीवन रात्रि भोजन त्याग करने का साहस जुटाए, संख्या में लोग कम हो इससे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। ये कोई नाटक नहीं है, ये वास्तविकता है। पाषाण से परमात्मा बनाना कोई छोटा काम नहीं है। मंत्रों की साधना जितनी जितनी गहराती चली जाती उतना उतना वह बिंब पवित्र होता चला जाता। धर्म स्नेह बंधुओं, केवल बाहर की शुचिता नहीं, भीतर की शुचिता भी चाहिए। आज आपके बस बाहर से शुद्ध दिखते हैं, लेकिन मन भी उतना ही गहन और शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि,
काय शुद्धि कहते हैं शरीर की शुद्धि भी होना चाहिए। काय शुद्धि कहते हैं सगोड़ से आदमी को नम भी होना चाहिए। काय शुद्धि का वसु नदी ने कहा कि नम्रता, शब्दों में सरलता, कठोरता बिल्कुल कहीं भी नहीं होना चाहिए। जब हम सब ओर से मन वाणी शरीर से नम्र होते तो हमारी काय शुद्धि होती चली जाती है। मैं चाहूंगा कि जब भावी तीर्थंकर पार्श्वनाथ आहार चलिया पर निकलते हैं तो आज शालीनता का परिचय और दीजिए। भगवान आपके हाथ से खो गए हैं, कल तक बड़ा आपका अभिमान था लेकिन आज पंडित जी भी छोटे हो गए, क्योंकि सूर्य मंत्र देने का अधिकार किसी वस्त्र वाले आदमी को नहीं। इसलिए हमारा अनुशासन क्षेत्र प्रारंभ हो चुका है, उसी अनुशासन क्षेत्र में आप चलते रहेंगे तो पाषाण बिंदु में वह विषय प्रकट हो जाएगा जो श्री महावीर जी में है, तिजारा जी में है, परम प्रभु में है। क्योंकि आपके जीवन की सरलता का, आपके जीवन की सरलता का परिचय पत्र मैंने देख लिया है। जिसको बुलाया गया वही आया, दूसरा सांस भी जुटा था। गुप्ती धाम में पंच कल्याणक के तुरंत एक महीने के बाद अतिशय प्रकट हुआ था, वो पूरे भारत वर्ष में नहीं हुआ। एक महीने के बाद देवीनाथ भगवान के मस्तक से महीने भर तक नहवन ही होता था। जैसे तो ये दो लोगों ने नहीं, देश भर के लोगों ने देखा और मैंने उन लोगों को आह्वान किया जो बहुत तकिया नूसी करने वाले हैं, उनने भी आकर गले का सचमुच या सिर से अपने आप नहवन होता रहा। जितनी विचारों की शुद्धता और मंत्र का शुद्ध उच्चारण होता, हर आदमी ये सोचता मुझे माइक पर लाने का मौका दे दीजिए, लेकिन मंत्रों का उच्चारण करने का पहले सालों साल अभ्यास करने की जरूरत होती है। एक दिन में कोई चित्त मजबूत नहीं होता। प्रतिष्ठा के लिए वृद्ध मुनिराज को लाया जाता था, बहुत दूर से लाते थे, परिश्रम होता था और इसलिए वो साधन प्रतिमाओं पर दिखती थी और सब कुछ वहां पॉजिटिव होने लग जाता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रवंचा एक ऐसी विराट चीज है जिस चीज को यदि आपने अपनी जिंदगी में एक बार हासिल कर लिया फिर आपको यह नहीं लगेगा कि वापिस जाऊं। जब तक आपने समर्थता के स्वाद को नहीं लिया, वो सुवर्णी का बच्चा हो गया, खुश है क्या? खुश है क्या? सुवर्णी के बच्चे होने में, गधी के बच्चे होने में और भी कुछ होने में मजा है क्या? वो राजा भी कहते हाँ इसी में मजा है, और आप भी इसी मस्त हस्ती ऊपर आने को तैयार नहीं होते। थोड़ा थोड़ा त्याग करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उठते जाएंगे, उठते जाएंगे। जो व्यक्ति जितना त्याग करेगा उतना ही ऊपर उठेगा, जो व्यक्ति जितना अपने पास सामान रखेगा उतना ही डूबता चला जाएगा। आप डूबना चाहते हैं कि ऊपर आना चाहते हैं? बोलो, ऊपर आना चाहते हैं? चाहते हैं ना, लेकिन चाहने से ऊपर कभी कोई नहीं आया। सुखम इच्छति दुखात व्यक्ति, सारा संसार सुख चाहता है, दुख से भयभीत है, लेकिन भयभीत होने से कोई आदमी भय से मुक्त नहीं हो पाया। ऊपर उठने के लिए प्यार की राह पर, डगर पर कदम बढ़ाने की जरूरत है। जो जितना त्याग करता जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा। हम त्याग के कारण से ही आज पूरे संसार में जहां कोई दिगंबर मुनि दिख जाए तो श्रद्धा का विषय बनता है, और जहां त्याग नहीं होता है वहां कुछ और ही बात होती है। मैं विराम लेता हूं,
आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। पार्श्व कुमार महामुनि आज आहार चर्या पर निकलेंगे और जिन्होंने सचमुच आजीवन भोजन रात्रि का त्याग किया है वो आहार दें या जो साहस जुटा सकते हो वो ही आहार दान दें। कल संयम कितने लोगों ने कमंडल भेंट करते लिया एक अंबाला का एक रिकॉर्ड दस्तावेज बन गया है। वैसे ही आज आपको संयम का परिचय देना है। मैं शब्दों के साथ विराम देता हूं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। कहां करा रहे हैं उनसे पूछो। अब बैठ जाओ जैसे चौकी लगवा दो चौकी लगवा दो दीदी को चौकी लगावांगे पीले कपड़े वाली। ठीक है ठीक जी ठीक। टेंट वालों से निवेदन है दो तीन पिलाई लेके अच्छी के यहाँ स्टेज पे आ जाए। बहु है हाँ ठीक है। घर में नहीं खाना ना। ठीक है ठीक ठीक ठीक। पुत्र नहीं बहुत बड़े ये बालक है बेटा है क्या हाँ क्या है तुम तो जीवन बहुत हो गया आपका नहीं मतलब नहीं अन्न नहीं खाना बस अन्न का त्याग बाहर जाओ तू हाँ वो जहाँ वो भगवान राजा धनदत्त का परिवार इतने श्रीफल में शुद्ध वस्त्र पहन करके आप सब तैयार हो जाओ। हाँ अभी ठीक है सब करा लेंगे आप सब कोई भी महानुभाव के लिमिना में पेंशन वाले बैठो बैठो पेंशन वाला कोई नहीं आएगा अभी आइए। जो महानुभाव आहार दान करने की इच्छा रखते हो शुद्ध वस्त्र पहन करके महाराज जी ने जैसा कहा है वैसा समझिएगा मुकुट लगा लो। नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु। आप सब बोलते जाओ हे स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठो तिष्ठ हे स्वामी नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु बोले सभी लोग बोलिए हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी अत्रह अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए भगवान नैमिनाथ स्वामी के निर्वाण हो जाने के 83,700 वर्ष पश्चात बामा देवी के यहाँ पौष कृष्णा एकादशी को जन्म प्राप्त जन्म कल्याणक हुआ था तब भगवान का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत आप लोगों ने जैसे देखा कि इंद्र का आसन डोला सहित ईशान इंद्र 24 करोड़ अप्सराओं सहित
पर आया है? बनारस नगरी में, क्योंकि पार्श प्रभु का जन्म बनारस नगर में हुआ था और वहां से भगवान का अभिषेक करने के लिए सौधर में इंद्रा माता की आज्ञा ले माता को मायामयी निद्रा में सुला करके भगवान को जन्म कल्याणक के दिन ही जब उनका 30वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था वैराग्य उत्पन्न हुआ। आप सभी जानते हैं कि तीर्थ परिपूर्ण ज्ञान के धनी होते हैं, वे किसी से इतने पार्श्वनाथ भगवान आहार के लिए आज गुलमखेट नगर की ओर पधारे हैं। स्मरण रखिए आप लोग कौन सा नगर है इस समय, गुलमखेट नगर। और जो उत्तम पात्र होता है उस उत्तम पात्र को आहार देने का पुण्य भी महाभाग्यशाली उसी भाव से मोक्ष जाने वाला अथवा तृतीय भाव से मोक्ष जाने वाले महापुरुष को ही प्राप्त होता है। आज महामुनि पार्श्वनाथ गुलमखेट ग्राम में विहार कर रहे हैं आहार चर्या के लिए, और जैसे ही वो विरहण करते हुए गुलमखेट राजा के धन्य नाम के राजा के राजमहल के वहां पहुंचे और उनकी विधि परिपूर्ण हो गई। उन्होंने जो अवग्रह लिया था, उन्होंने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प की संपूर्ति धन्य नाम के राजा के यहाँ पूर्ण हुई और भगवान का प्रतिग्रहण हो गया। धन्य राजा ने अपने जीवन को धन्य बनाते हुए नवदा भक्ति पूर्वक उनका प्रतिग्रहण किया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवदा भक्ति किसको कहते हैं, जिसमें नौ प्रकार से भक्तियां की जाती हैं। अभी आप लोग पहली भक्ति कर रहे थे, जिनको भी आहार देना है लाइन लगाओ। प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण में हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, ये बातें बोल करके और भगवान का परिग्रहण करके प्रतिग्रहण करके उनकी परिक्रमा लगाने तक एक प्रकार की भक्ति होती है। फिर जब आप भगवान को या मुनिराज को अपने ग्रहांगण में ले जाते हैं, वहां कहते हैं स्वामिन आइए उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन देना ये दूसरी भक्ति है। उच्चासन के उपरांत उनके पादों का प्रक्षालन करना, अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करना, ये तीसरे और चौथे नंबर की भक्ति है। तदुपरांत प्रणाम करना पांचवी भक्ति है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामिन भोजन स्वीकार कीजिए, इस प्रकार ये चार शुद्धियां मन वचन काय और आहार जल, ऐसी ये नौदा भक्ति होती हैं। इस प्रकार ये नौदा भक्ति पूर्वक जो श्रावक सप्त गुणों से युक्त होकर के मुनियों को तीर्थंकरों को आहार दान देता है वह महान सौभाग्यशाली पुण्य का महान अर्जन करता है। ओम नमः। भीड़ इकट्ठी मत कीजिएगा, एक एक करके जाना है। अभी आहार शुरू होने दो, पहले हम लाइन से भेजेंगे आपको, बिल्कुल नियम का पालन करना सब लोग। हम बैठे आपको देखिए, राजा धन्य ने महामुनि पार्श्वनाथ को उच्चासन ग्रहण करा दिया है। अब वे उनके पाद पंकजों का
प्रक्षालन कर रहे हैं। राम कुमार चरणन की रज जी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ राम आइए भाई दीदी दीजी पूजा प्रारंभ हो रही है। ओम रेम महामुनि पार्श्वनाथ आद्रयोतरोतर संभोस्तित्याहवाननम जय। दीदी पाद पचन किया जा रहा है राम कुमार बोलिए ना भगवान का अभिषेक और पदों का जी गुरु जी चरणन की रज तेरे चरणों की धूली बाबा चरण की रज भैया पक्षाल कर रहे भगवान का चरणों में वंदन है पार्श्वनाथ मुनीन्द्र आत्रे अवतर अवतर संभोस्तित्याहवाननम। ओम रीम पार्श्वनाथ महामुनि अत्र तिष्ठो ठाटा स्थापनम। ओम रीम महामुनि पार्श्वनाथ अत्र मम सन्नितो भववशत सन्नधिकरणम। ओम रीम श्री 108 पार्श महामुनि जन्म जरा मृत्यु विनाश नये जलम नृपमामती स्वाहा। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ महामुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय दिव्य चंदनम नृपमामती स्वाहा। ओम रीम महामुनीन्द्र श्री पार्श्वनाथाय अक्षय पद प्राप्ताय दिव्य अक्षता नृपमामती स्वाहा। ओम रीम महामुनि पार्श्वनाथ मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम नृपमामती स्वाहा। ओम रीम महामुनि पार्श्वनाथाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपमामती स्वाहा। ओम रीम महामुनि पार्श्वनाथाय महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश काय दिव्य दीपम नृपमामती स्वाहा। ओम रीम महामुनीन्द्र श्री पार्श्वनाथाय दुष्टास्त कर्म दहनाय दिव्य धूपम नृपमामती स्वाहा। ओम रीम महामुनि पार्श्वनाथाय महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम नृपमामती स्वाहा। उदको चंदन तंडुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फल कृकै धवल मंगल गानर वाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ मम ग्रहे मुनि नाथ मम यजे। ओम रीम श्री पार्श्वनाथाय महामुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय पूर्णर्घम नृपमामती स्वाहा। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है चरण तेरे पखारों में चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। देखिए आप लोगों को ज्ञात होगा युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभनाथ स्वामी हुए जिन्होंने 6 माह का योग धारण किया था और 6 माह तक 7 माह 13 दिन लगातार आहारचर्या के लिए निकले किंतु उस समय चूंकि भोग भूमि का युग था लोग आहारचर्या से अनभिज्ञ थे इसलिए उन्हें आहार की प्राप्ति नहीं हुई। और जब वैशाख शुक्ल तृतीया को जो अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है जग में उस दिन
सोमप्रभ राजा और श्रेयांश राजा जो कि हस्तिनापुर के शासक थे, वहाँ महाप्रभु विहार करते हुए पहुँचते हैं। श्रेयांश राजा का जीव पूर्व पर्याय में आदिनाथ भगवान की पत्नी श्रीमती थे और श्रीमती की अवस्था में उन्होंने जंगल में कांतारचर्या का संकल्प किए हुए ऐसे दो अपने ही युगल पुत्रों को जो मुनि अवस्था में थे आहार दान दिया था। आहार का फल अचिंत्य होता है। एक बार जो सच्ची श्रद्धा से तीर्थंकर को या महामुनियों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को आहार दान दे देता है, उसे निश्चित रूप से उत्तम भोग भूमि का बंद होता है। वह श्रीमती का जीव जिसने अपने हाथों से युगल मुनियों को आहार दान दिया था, अत्यंत निकटता होने के कारण, आहार दान का कृत्य करने के कारण उनके संस्कार इतने दृढ़ हो गए, इतने दृढ़ हो गए, इतने दृढ़ हो गए, जैसे आप जानते हैं कि कुम्हार जब कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है या कोई पात्र बनाता है, उसके ऊपर कोई बेल बूटा कोई आकार बनाता है, तो वो आकार उसका तब तक रहता है जब तक वह फूटता नहीं, फूटने के बाद भी वो आकार रहता है। युगल मुनियों को आहार देते हुए श्रीमती के जीव इतने निर्मल, इतने भाव पवित्र हो गए, ऐसे संघात पड़ गए संस्कारों के कि उन्हें श्रेयांश राजा की अवस्था में मुनियों को दिया हुआ आहार दान का स्मरण हो गया और उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ जी, भरत्र श्रेयांश बोले, वत्स तुझे आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वृष्टि करेगी हम पर रत्नों की, इसके बाद कुछ वृष्टि करने का सौभाग्य कौन लेगा। चलिए नहीं से तीर्थंकरों के आहार दान लाए पढ़िए, उसके बाद आहार देने में खड़े होइए। इन खिलौने वाला गेम नहीं चल रहा है। तो श्रेयांश को, श्रेयांश राजा ने भरत को बताया कि मैंने कृत्य किया था, आहार दान नहीं देता, चारों दान देता है। दान चतुर्विध, चार प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अवय दान, कई उपकरण दान भी दिया है। तो जो मुनियों को आहार दान देता है वो चारों दान कैसे देता है, देखिए आप जानते हैं, आहार दिया तो आहार दान है। मतलब पीछे जाओगे यहाँ, और रोग कौन सा है, क्षुधा रोग, भूख के समान, क्षुधा के समान कोई रोग नहीं और भोजन के समान कोई दवा नहीं। आपने क्षुधा रोग को नष्ट करने के लिए जो अपना शुद्ध पवित्र आहार दिया है वह औषधि है। इसी इस युग में, युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर ने इक्षु रस का आहार लिया था और उसके उपरांत आहार ग्रहण किया था। पार्श्वनाथ को क्या दिया जा रहा है, खीर। खीर बहुत अच्छा। हाँ जी, श्रीराम लगेंगे, आइए पुष्पि करने का चारों दिशाओं में जब भगवान का आहार हो जाएगा, पुष्पि कौन करेगा बोलिए। नीचे से दीदी, नीचे से। हाँ जी, क्या है, एक सौ ग्यारह है तो हमारी माता पिता बने महाराजा से, उनकी ओर से दूसरा कौन सी पुष्पि, गंगोदर पुष्टि, गंगोदर पुष्टि का ग्यारह हजार। हाँ, पहली शिखर का लाभ लिया है, पूजा में कहते हो मंदिर। हाँ, महेश जी, सुभाष जी, जैन सबसे पहले वो बजाएंगे, फिर तुम बजाएंगे और आदि गाय बारी बारी पूरी टीम रहो। हाँ, आप सब दे लिया, अभी दो मिनट है। दीदी अभी तो दीदी आ रहे हैं थोड़ी देर। हाँ, आपके बाद बोले
आओ जी अब सारे को दिखाओ दिल को हार देना सीखता करो भैया बाबा तो मेरे हाथ त्याग करो भर का त्याग करो कोई चीज तो त्याग करो अनिल तैयारी है कुछ बोलना है आप पुष्प मिष्टि गंगा जय जयकार रत्न मिष्टि हार बोलो तो तैयार हो आप लोग जो महिलाएं घटिया का कलश लाई है इधर लाओ कलश जो बहने कलश लाई है यहाँ मंच पर रखो कलश रखो वहां जो बहन जी लोग घटिया के लिए कलश लाई है वहां मंच पर रखें वहां मंडल बना हुआ है वहां शुद्धि होगी उन कलशों की जल्दी लाओ लालाजी शर्जी पुष्पी अनिल भारी दो आ गए